जापान वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा जलजले रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर एंटार्क्टिका के आइसबर्ग मेल्ट हुए यानी पिघले तो 2000 नए वायरसेस पैदा हो जाएंगे। बारिश के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सर्द टेम्परेचर -128.6 यानी कि -128.6 फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बाद जो बू यानी कि स्मेल पैदा होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। एंटार्क्टिका में सिर्फ 1% यानी कि 1% जमीन है जो बर्फ से ढकी हुई नहीं है। US में 1200 से ज्यादा टोर्नेडोस एक साल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कनाडा में दुनिया के 8% जंगल पाए जाते हैं। बादल सफेद इसलिए दिखते हैं क्योंकि इन पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, इनका खुद का रंग सफेद नहीं होता। टोर्नेडो सबब बनते हैं मछलियों की बारिश का। क्या आपको पता है एक तो दिन के वक्त रेनबो होता है मगर रात में भी एक रेनबो बनता है जिसे हम मूनबो कहते हैं। गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी बर्फ में तब्दील हो जाता है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने रेफ्रिजरेटर में खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दुनिया में अगर आप सबको बेहतरीन किस्म के रेनबोस का नज़ारा करना है तो आपको जाना होगा हवाई। हवा की कुछ अपनी आवाज़ नहीं होती मगर जब वो किसी चीज़ के साथ टकरा जाएं तो बहुत सी आवाज़ें पैदा करती हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारे ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल जूनी फैक्टक को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।